नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपने दिशाओं को पहचानना तो सीख लिया है ना? आपने यह भी सीख लिया है कि नक्शे में दिशाएं कैसे दर्शाई जाती हैं, सीख लिया है ना? बच्चों चलिए बताइए तो, नक्शे में उत्तर दिशा किस ओर होती है? बिल्कुल सही, नक्शे में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर, पश्चिम दिशा हमारी बाईं ओर और पूर्व दिशा दाईं ओर होती है। तो बच्चों आज हम नक्शे को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 17, आजाद ने नक्शा बनाया। अच्छा बच्चों बताइए तो, आजाद कौन है? आजाद आप ही की तरह आप ही की कक्षा यानी कक्षा 4 में पढ़ने वाला एक बालक है जिसने एक नक्शा तैयार किया है और उसने इस नक्शे में अपनी शाला और शाला के आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया है। चलिए तो देखते हैं आजाद ने अपने नक्शे में क्या क्या बताया है। चलिए ये देखिए, ये है आजाद का बनाया नक्शा। इस नक्शे में सबसे ऊपर की ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, यह एक दिशा सूचक है। दिशा सूचक का इस नक्शे में क्या काम है बच्चों, बताइए तो? ठीक, दिशा सूचक से हम नक्शे में दिशाओं को अच्छे से जान सकते हैं। इस नक्शे में अगर हम देखें, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, आपके बाईं तरफ पश्चिम और दाईं तरफ पूर्व दिशा है। चलिए अब बताइए तो, इस नक्शे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, घर दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, हैंड पंप है, खेत है, मस्जिद है, ऊपर की ओर मंदिर है ना? अच्छा चलिए अब इसे दिशाओं के आधार पर और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर देखते हैं। ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा में देखें तो क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? मंदिर के ठीक नीचे की ओर देखिए, ये एक सीधी लाइन है, क्या आप इसे पहचानते हैं ये किस चीज का है? यह निशान रेल लाइन का है बच्चों। रेल लाइन को हमेशा एक सीधी लाइन और उस पर खड़ी खड़ी छोटी लाइनों के द्वारा बताया जाता है। आगे देखिए, यह क्या है? आपने कभी देखा है रेल लाइन में जब रेल से हम जब जाते हैं तो एक स्थान पर झंडा दिखाया जाता है, वह जगह कौन सी होती है पता है? वह जगह है रेलवे फाटक वाली। तो यह वही रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक को दो समांतर लाइनों के द्वारा बताया जाता है। चलिए अब हम आते हैं दक्षिण की ओर। अब दक्षिण की ओर देखिए, दक्षिण में आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यह नीले रंग वाली लाइन क्या होगी, पहचान सकते हैं? यह नदी है बच्चों। नदी को और सागर को और जल वाले जितने भी स्थान हैं उसे नक्शे में नीले रंग से बताया जाता है, ठीक है ना? चलिए और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर देखिए, मस्जिद का निशान है ना? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा में देखिए, शाला भवन है, वृक्ष है और हैंडपंप है ना? चलिए अब और आगे की ओर आए, आगे की ओर हम पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं। पूर्व दिशा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये काली लाइन सड़क है बच्चों। सड़क को काले रंगों में दो समांतर रेखाओं द्वारा बताया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यह क्या दिखाई दे रहा है? यह खेत है बच्चों। खेत जानते हैं ना, गए हैं आप कभी खेत में? धान के खेत, गेहूं के खेत, मक्के के खेत और गन्ने के भी खेत होते हैं ना? तो खेत को हमेशा नक्शे में इस तरह से दिखाया जाता है बच्चों। साथ ही देख रहे होंगे ये हरे रंग में है, तो इसके हरे रंग
में क्यों दिखाया गया है बच्चों? इसे हरे रंग में इसलिए दिखाया गया बच्चों क्योंकि पेड़ की पत्तियां, घास, खेत में पौधे भी हरे रंग के होते हैं ना, तो इसलिए इन्हें हरे रंग में दिखाया जाता है। तो चलिए, आपने नक्शे को अच्छे से जान लिया है, अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, आपने नक्शे में देखा है ना, तो हैंडपंप आजाद की शाला की किस दिशा की ओर दिखाया जा रहा है? बिल्कुल सही, हैंडपंप आजाद की शाला के उत्तर दिशा की ओर है। चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है, नदी शाला की किस दिशा की ओर है? तो बताइए तो। ठीक, नदी शाला के दक्षिण दिशा की ओर है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सड़क और रेल लाइन आजाद की शाला की किन दिशाओं में है? बताइए। बिल्कुल ठीक, सड़क पूर्व दिशा की ओर और रेल लाइन उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न पूछती हूँ, नक्शे में सबसे ऊपर की ओर क्या दिखाया गया है? ठीक, नक्शे में सबसे ऊपर की ओर मंदिर दिखाया गया है। चलिए, पांचवा प्रश्न है आपका, सड़क में पश्चिम दिशा में क्या क्या है? सड़क में पश्चिम दिशा में मंदिर है, शाला है, पेड़ है और हैंडपंप है, साथ ही मस्जिद भी है, ठीक है ना? चलिए, अब हम इसके साथ साथ कुछ अन्य संकेतों को भी देखते हैं बच्चों। अच्छा बताइए, आपको अगर नक्शे में नदी के ऊपर पुल को दर्शाना हो तो पुल को आप किस तरह दिखाएंगे बच्चों, जानते हैं? तो पुल को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना? अब मंदिर हम दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? यह बच्चों मंदिर का चिन्ह है, मंदिर में झंडा लगा होता है, इसे देखकर हम जान जाते हैं कि यह मंदिर का संकेत है, ठीक है ना? तो बच्चों, आज हमने यह पाठ में क्या क्या सीखा? पहला, नक्शे में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। दूसरा, कि नक्शे में दिशा सूचक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, नक्शे में संकेतों के द्वारा हर स्थान को दर्शाया जाता है। चौथा, हमने संकेतों के महत्व को जाना, ठीक है ना? चलिए, अब हम अभ्यास कार्य कर ले। चलिए, अभ्यास कार्य का हमारा पहला प्रश्न है, खेत के पश्चिम में क्या क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, खेत के पश्चिम में शाला, पेड़, हैंडपंप, मस्जिद, सड़क है। हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न है, निम्न संकेत चिन्हों को उनके सही जोड़ी से मिलान कीजिए। तो हमारा प्रश्न है, सड़क, नदी, रेल फाटक, मंदिर, रेल लाइन और मस्जिद। अब इन नामों को उनके सही संकेतों के साथ मिलान कीजिए। चलिए बच्चों, अब जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए और कॉपियों में मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, उसे आप नोट करेंगे। चलिए, आपका गृह कार्य का पहला प्रश्न है, आजाद की तरह आप भी अपने घर का एक नक्शा बनाएं और अपने दोस्तों को उसके बारे में बताएं, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, उत्तर की ओर मुकर कर बैठने पर हमारे बाईं ओर और दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, लिखिए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा।